क्यों टकाटक को इसकी ब्लू कलर की वजह से इसे बंद करना पड़ा? जेलीफिश बनाने वालों ने ऐसी क्या छोटी गलती कर दी जिससे उन्हें ये बनाना बंद करना पड़ा? अगर आपकी आंखों में फेविक्विक गिर जाए तो आपकी आंखों का क्या हाल होगा? और चिप्स के ऊपर ये लाइन क्यों बनी होती है? मेरे भाई, वीडियो बहुत बहुत कमाल की होने वाली है, तो बिना स्किप किए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। इस वीडियो पर एम रखते हैं 100 लाइक्स का, देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं। मुझे पता है मेरे सभी भाई लोग कर देंगे। नंबर 10 पेप्सी। ये 1 रुपए वाली पेप्सी हमारे लिए बड़ी कोल्ड ड्रिंक का काम करती थी और आज भी कई जगहों पर यह मिलती है, लेकिन पहले की तरह नहीं मिलती। इसकी वजह से इसके खिलाफ काफी सारे विवाद उठाए गए थे कि इसमें गंदा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और ज्यादातर जो पेप्सी थे वो नॉर्मल लोगों के घर से आते थे। यह फैक्ट्री नहीं बल्कि लोकल बिजनेस था, इसीलिए समय के साथ इसे लोगों ने बनाना छोड़ दिया और बच्चे भी पसंद करना छोड़ दिए। नंबर 9 पोटैटो चिप्स। तो आपने देखे ही होंगे और खाए ही होंगे, लेकिन पोटैटो चिप्स बहुत तरह के अलग अलग फ्लेवर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी चिप्स के अंदर एक बात नोटिस की है कि सारे चिप्स के अंदर ये छोटी सी लाइन बनी क्यों होती है? दोस्तों, ये लाइन सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होती है, ये लाइन चिप्स को ब्रेक करते वक्त रोकती है और क्रंची भी बनाती है। इसके अलावा इसके ऊपर मसाला अच्छे से चिपका रहे, इसलिए ये लाइन बनाई जाती है। नंबर 8 दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां बारिश तक अभी तक नहीं हुई है, और ऐसी जगह कैसी दिखती होगी? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के कैलम गाँव में 1501 के बाद अभी तक कभी बारिश नहीं हुई है। दरअसल इस गाँव के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, द अटैकम डेजर्ट मौजूद, इसीलिए इस गाँव में अभी तक कभी बारिश नहीं हुई है। ये सबसे गर्म जगहों में से एक है। नंबर 7 जेली फोन। आप भी जेली फोन को इसकी सेप की वजह से शायद लेते होंगे, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता था, लेकिन ये बचपन की यादें अब नहीं रही। इसका प्रोडक्शन काफी कम हो गया है क्योंकि ये दूर तक अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते थे। ये जेली सस्ती हुआ करती थी, उन्हें प्रॉफिट भी कम हुआ करता था, जिसकी वजह से उसको बढ़ाने के लिए उन्हें और पैसों की खर्च करने की चाहत नहीं थी, या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जिसकी वजह से अभी भी मिलती है, लेकिन ये बहुत कम जगहों पर मिलती है। नंबर 6 और बीच। इसको पानी में डालने के बाद 1-2 दिन तक वेट करना पड़ता था, जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का काम था, और फूलने के बाद कुछ वक्त बाद ये टूट जाते थे और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। फिर भी इसे देखने में बहुत ही मजा आता था। आज भी और भी कम दुकानों में मिलती है, लेकिन फिर भी ये किसी कोने में पड़ी रहती है। आजकल के बच्चों को तो उतना इसके बारे में पता ही नहीं होगा, लेकिन इसका क्रेज अब खत्म हो गया है। नंबर 5 चीटोज। इसे आप कभी ना कभी खाए होंगे या फिर इसका नाम भी सुने होंगे, और अब इसका नाम निशान तक नहीं है। चीटोज जब इंडिया में आया था तो इंडिया के मुकाबले बहुत ही महंगा था, और इंडिया के लोग इतने सारे पैसे स्नैक्स पर और नहीं लगाते, और ऊपर से ये किसी पफ बॉल की तरह था जो कि इंडिया में सस्ते में ही मिल जाते। पेप्सी को अभी भी चीटोज बेचती है, लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। नंबर 4 कैल्शियम कैंडी। ये कैंडी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी थी, ये ऐसा हमें लगता था क्योंकि ये इसके ऊपर लिखा भी था। ये तो बात सच है कि इसमें कैल्शियम भी होता था, कई चाइल्ड डॉक्टर भी ये अपने क्लिनिक में रखते थे, पर समय के साथ लोग इसे भूल गए और काफी ये कम कहीं दिखता है। नंबर 3 ऑरेंज कैंडी। ये कैंडी अभी भी मिलती है, बस किसी पुराने दुकान में। ये कैंडी आप सिर्फ दिखने की वजह से नहीं लेते, नए नए चॉकलेट ब्रांड है वो अपने पैकेजिंग को बहुत ही बढ़िया बनाते थे, और ये जो कैंडी थी इनकी उतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लोकल लगती थी। इसी वजह से इसका सेल कम हो गया और ये बहुत ही कम आने लगी। नंबर 2 प्ले कैंडी। इस कैंडी को खाने और खेलने दोनों में इस्तेमाल किया जाता था। इसके अंदर 2 होल आते थे, इसके अंदर रस्सी डालकर काफी देर तक हम नचाते थे और खेलते थे, बिल्कुल कट्टर की तरह। लेकिन जब फिर इसका बीच का हिस्सा टूट जाता था और हमारे पास खाने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बचता था, और इसके साथ बच्चे भी बड़े हो गए और ऐसे गेम में इंटरेस्ट नहीं रहा। ऐसे ही और मैजिक फैक्ट वीडियो देखने के लिए सूर्य फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो पूरा प्लीज देख कर जाइएगा। नंबर 1 दोस्तों, ये कैलकुलेटर में लगे छोटी सी स्क्रीन तो आपने देखी ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कैलकुलेटर में क्यों लगाई जाती है और इसका क्या काम होता है? दरअसल एक छोटा सा सोलर पैनल होता है जो बिना सेल के कैलकुलेटर को भी काम करने में इस्तेमाल करने में मदद करता है। वैसे तो ज्यादातर कैलकुलेटर में सेल होते हैं, लेकिन ये सोलर पैनल इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। सोलर हर कैलकुलेटर में मिल जाता है, लेकिन ये कुछ अच्छी कंपनी वाले कैलकुलेटर में ही काम करता है। नेक्स्ट, आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि ये चिटिया हमेशा चलती ही रहती है, कभी रुकती ही नहीं है, ज्यादातर ये चलती ही रहती है। ये आराम कब करती है? दोस्तों, मैं बता दूं कि ये छोटी सी चिटिया 12 घंटों के अंदर सिर्फ 8 मिनट ही रेस्ट करती है, हैरान कर देने वाली बात है। नेक्स्ट, जेलीफिश का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको जेलीफिश के कुछ खास बात के बारे में पता है? जेलीफिश का ना तो ब्रेन होता है, ना ही हार्ट होता है, और ना ही उसकी आंखें होती है। इस फिश का मुंह इसके बॉडी के सेंटर में होता है, और सबसे खास बात यह है कि जेलीफिश कभी भी नेचुरल नहीं मिलती, इसकी मौत किसी हमले या चोट से होती है। नेक्स्ट, शुतुरमुर्ग। ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारी पंछी है, लेकिन दोस्तों ये बर्ड होने के बावजूद भी ज्यादा उड़ नहीं सकता, लेकिन क्या आपको पता है 43 माइल पर स्पीड से भाग सकते हैं, और इसका अंडा बाकी नॉर्मल पंछियों के अंडे से बहुत ही बड़ा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका एक अंडा मुर्गी के 10 अंडे ऑमलेट के बराबर होता है, और इसका दिमाग इसकी
आँख से भी छोटा होता है। फेविक्विक हर चीज को जोड़ने के लिए फेमस है। आपने कभी न कभी फेविक्विक का इस्तेमाल तो किया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जब आप फेविक्विक को खोलते हैं तो उसके अंदर से हल्का हल्का धुआं निकलता है जो कि केमिकल की तरह होता है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए फेविक्विक की कोई भी हर चीज सेकेंडों में जुड़ जाती है। लेकिन क्या होगा स्ट्रॉन्ग फेविक्विक हमारी आंखों में गिर जाए? दोस्तों अक्सर फेविक्विक को खोलते वक्त इसकी बूंदी आंखों में गिर सकती है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आंख में फेविक्विक गिरने पर तुरंत ही आंख को पानी से धो लेना चाहिए और आंख में जलन महसूस हो तो डॉक्टर के पास जरूर ही जाना चाहिए। तो मेरे भाई एंड तक वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए सूर्या फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एंड कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा।